नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समृद्धि से जुड़े हुए पैसों के पेड़ के बारे में। हम सभी जानते हैं और हम सभी ने सुना भी है, पैसों का पेड़ हमारे घर में होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति हमसे पैसे मांगता है या फिर हमारे पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं तो हम हमेशा ये डायलॉग जरूर मारते हैं कि मेरे घर में क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो तू मांग रहा है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में वह चीजें नहीं होती, लेकिन हमारे फेंग शुई और पुराणों के अनुसार माना जाए तो पैसों का पेड़ होता है। आप एक पेड़ को चीनी सिक्के से डेकोरेट करें जो बिल्कुल सिक्कों की तरह नजर आता है। आप उस पेड़ को पैसों का पेड़ बनाकर अपने घर में रखें, ऐसा पेड़ आपके घर में समृद्धि लेकर आता है। तो आज हम जानते हैं कि पैसों के पेड़ के रखने के क्या फायदे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि दोनों एक साथ आए तो उसके लिए आप पैसों का पेड़ लगा सकते हैं। पैसों का पेड़ आपके घर में लगाने से आपको समृद्धि भी आएगी, धन भी आएगा। यदि आप अपने व्यापार में भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पैसों का पेड़ लगा सकते हैं। मेंढक रखने से भी, यानी मेंढक अपने घर में या फिर व्यवसाय जगह पर आप मेंढक को रखते हैं तो उससे भी धन में वृद्धि होती है, क्योंकि मेंढक को पैसों के लिए सबसे महत्वपूर्णता दी जाती है। मेंढक सबसे खास होता है फेंग शुई में। यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं और अपने धन में समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फेंग शुई का मेंढक जरूर इस्तेमाल करें। पेड़ लगाने के लिए आप हमेशा जगह और दिशा दक्षिण पूर्व दिशा ही लें, क्योंकि यदि आप अपने कुबेर को खुश करना चाहते हैं और अपने पैसों की समृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए आप दक्षिण दिशा सबसे खास मानी जाती है, क्योंकि वह कुबेर की सबसे खास जगह है, वहां विराजमान होते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके धन पर भी कुबेर की बरसात हो तो आप दक्षिण पूर्व दिशा में ही चीनी सिक्का या फिर पेड़ लगाएं। चीनी सिक्के देखने में बिल्कुल कॉइन की तरह होते हैं, यानी कि पैसों की तरह ही होते हैं। यदि आप अपनी समृद्धि और धन में प्रॉफिट चाहते हैं तो आप चीनी सिक्के को एक लाल धागे में 3 सिक्कों को एक साथ बांध दें और अपने घर के दरवाजे पर लटका दें। लेकिन खास ख्याल रखें कि घर के दरवाजे के वह अंदर ही होना चाहिए, बाहर ना हो, क्योंकि बाहर निकालने पर लक्ष्मी माता बाहर से ही चली जाएंगी, अंदर नहीं प्रवेश करेंगी। तो आप कोशिश करें कि चीनी सिक्के लगाए तो सही, लेकिन उसका खास ख्याल रखें कि वह घर के अंदर ही रहे। जहाँ पर आपका मेन गेट होता है तो उसके बिल्कुल अंदर रखना चाहिए, उसके बाहर ना हो। चीनी सिक्के को देखने में बिल्कुल सोने के सिक्के की तरह नजर आता है, बस उस पे आकृति कुछ छवि जानवरों जैसी नजर आती है, कुछ उर्दू जैसा कुछ लिखा होता है, लेकिन वह हमेशा देखने में सिक्कों की तरह ही लगते हैं। उसमें बीच में एक होल होता है, होल पर वह आपको डेकोरेट करने के लिए होता है। आप किसी भी तरह से उसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर उसके आकार का कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसे आप चिपका सकते हैं। आप फेविकॉल से दीवारों पर चिपका सकते हैं, जहां आपकी तिजोरी है वहां भी फेंग शुई के सिक्के रखने के प्रॉफिट होते हैं, यानी कि लाभ होते हैं, क्योंकि ये फेंग शुई के सिक्के आपके घर में धन की समृद्धि को बढ़ाते हैं और आपकी धन में आई कमी को पूरा करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि घर में धन की कमी बिल्कुल ना हो तो आप फेंग शुई के सिक्के जरूर इस्तेमाल करें। तो ये है फेंग शुई के सिक्के, यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में धन और समृद्धि की कमी बिल्कुल नहीं होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।